रामगढ़ जिला समरनाले में जिला उपायुक्त राजेश्वरी बी ने प्रेस वार्ता कर दी स्वीप कार्यक्रम की जानकारी। कहा, ज्यादा बोटिंग के लिए सभी बूथों पर जागरूकता अभियान चलाएं। छतरमांडू स्थित समरनाले में शुक्रवार को डीसी राजेश्वरी बी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कहा कि जिला के सभी बूथों तक मतदाता जागरूकता अभियान पहुंचेगी। इस दौरान आम लोगों को लोकतंत्र की शक्ति का एहसास कराया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनावी महापर्व में मतदान कर सके। कहा कि जिला प्रशासन की स्वीप को संघ ने जिला, प्रखंड, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक जागरूकता अभियान कार्यक्रम तय किया है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम पर आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। मौके पर जनसंपर्क पदाधिकारी सुषमा बड़ईक, स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी कनक लता तिर्की सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस दरमियान मॉक पोल कर ईवीएम और वीवीपैट के बारे में भी विशेष जानकारियां उपलब्ध कराई गई। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजेश रंजन ने भी पत्रकारों को संबोधित किया, साथ ही ईवीएम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। इसके माध्यम से मतदाता जान सकेंगे कि उनका वोट किसको गया। 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले पर वोट पाने वाले का नाम, चुनाव चिन्ह और क्रमांक अंकित होगा। इसके बाद बॉक्स में पर्ची गिर जाएगा। पिछले वर्ष संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक वीवीपैट का प्रयोग किया जा चुका है। इस बीच मास्टर ट्रेनरों ने पत्रकारों को मॉक पोल दिखाया, साथ ही पूछे गए सवालों पर भी जवाब दिया। साथ ही ईवीएम के बारे में प्रचार प्रसार का भी आग्रह किया। साथ ही वहां मौजूद पत्रकारों को बताया कि कैसे आप वीवीपैट में सुरक्षित मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के बीच में रखने का प्रयास किया है, ताकि वो लोग भी जाने कि ईवीएम कैसे चलाया जाता है और वीवीपैट कैसे यूज किया जाता है। और प्रयास ये है कि मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार किया जाए, और हर एक जो मतदाता है जिला में वो आकर के वोट, अपना मत का अधिकार प्रयोग करे, इस इलेक्शन में वोटिंग करे, ताकि जो एक लोकतांत्रिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका सही तरीके से हम लोग यूज़ करें। लोगों को जागरूक करना है और प्रोत्साहित करना है कि वो आगे। इस बार जो वीवीपैट मशीन है, इस मशीन में ये फुल प्रूफ मशीन है। इसके द्वारा जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला उसी को वोट जाता है, और मतदाता पर्ची के द्वारा इस बात को एश्योर किया जाता है। लेकिन अगर कोई वोटर यह दावा करता है कि उसने एक कैंडिडेट को वोट दिया और उसका वोट किसी और कैंडिडेट के सिंबल पर चला जा रहा है, ऐसा अगर कोई भी वोटर दावा करता है, तो उसके लिए एक टेस्ट वोट की व्यवस्था की गई है। टेस्ट वोट के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस बूथ में मौजूद पोलिंग एजेंट्स को लेकर और उसके साथ उस दावा करने वाले वोटर को लेकर जाता है, और जाकर फिर से उनको वोट देने की अनुमति दी जाती है। अगर वोटर का दावा गलत साबित होता है तो ऐसे वोटर को पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अनुसार, PRI के अनुसार, उसे 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। क्योंकि चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि इस वोट को इस मशीन को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति अपने गलत मंशा के साथ इस वो मशीन की वैधता पर, इसकी सत्यता पर संदेह प्रकट। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है